सो है गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइज, मेरा नाम है, आपको स्वागत करते हैं बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइज, मान ली आज हम बात करने वाले हाउ टू सोल्व फेसबुक लॉक्ड अकाउंट। आप अपने फेसबुक लॉक्ड अकाउंट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, ये जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आपको बता दूँ कि मैंने इस ये पहला मेरा वीडियोज नहीं है, पर लॉक्ड अकाउंट्स के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियोज आज तक इस तरह से मैंने डाला, उतना ध्यान नहीं, लेकिन 2+ ऐसे वीडियोज होंगे जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन उस वक्त क्या था कि लॉक्ड अकाउंट को सोल्व करना बहुत ईजी था। फाइनली वहाँ पर जो कि आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल रहा था, लॉर्ड मोड से गेट स्टार्टेड जो ऑप्शन मिल रहा था वहाँ पर ओरिजिनल मेरा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको गेट स्टार्टेड डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं बल्कि आपको डुप्लीकेट दिया जा रहा है। तो वहां पे आपको सबसे पहले ओरिजिनल गेट स्टार्टेड लाना होगा, उसके बाद ही आपको आगे स्टेप हो पाएगा। नहीं तो अगर आप ये जो अकाउंट है इस पे आप जब गेट स्टार्टेड कर रहे हैं तो फिर एक साइट खुल रहा है, फिर उस पर क्लिक करें तो फिर सर का बैक हो जा रहा है, यानी आगे जा रहा है, फिर वहाँ पे बैक कर रहा है, आगे जा रहा है, बैक हो रहा है। इस तरह से ये सिचुएशन आ गया जिससे कि हमारा आगे स्टेप जा ही नहीं रहा है, जिससे कि हमारा सोल्व हो पाए। तो फाइनली ये बहुत सारा कन्फ्यूज हो रहा है। तो फाइनली एक भाई ने मुझे कंटेक्ट किया जिसका नाम है प्रदीप, और फाइनली वो मेरे सब्सक्राइबर्स है। पर्सनली उन्होंने मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फाइनली मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो फाइनली उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि भाई मेरा क्लास करने में चूँकि डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो फाइनली आप मुझे हेल्प कीजिए। तो मैंने उसको देखा अकाउंट्स को, अच्छा काम मैंने कहा कि अच्छा आप दीजिए अपना ईमेल पासवर्ड, मैं आपको देखता हूँ अकाउंट्स को। तो फाइनली देखा मैंने कि फाइनली यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, फाइनली यहाँ पे गेट स्टार्टेड ऑप्शंस है। तो मैंने सोचा कि गेट स्टार्टेड है, इजीली भी सोल्व पाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे एक साइड खुला, फिर वहाँ पे तो बैक आया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है गाइस? तो फाइनली मुझे पता चला कि सबसे पहले ओरिजिनल हमको गेट स्टार्टेड चाहिए, उसके बाद ही आगे सॉल्यूशन हो पाएगा। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सबसे पहले आप ओरिजिनल गेट स्टार्टेड ऑप्शंस कैसे लाएंगे, उसके बाद आपका सॉल्यूशन आगे क्या होगा वो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहाँ पे आप वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा, नहीं तो अगर आपको थोड़ी भी अगर स्टेप आप मिस करेंगे तो फाइनली आपको जो कि पूरी वीडियोस देखना बेकार हो जाएगा, और फाइनली आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत आ सकती है। तो फाइनली आप वीडियो देख रहे हैं तो बिना स्किप हुए देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड हो सके, क्योंकि आप यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स दोनों ले रहे हैं, इस कारण से आपको वीडियो की स्किप करके नहीं देखना, वीडियो देखेंगे तो आइए आपके ऊपर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कनेक्ट जाए तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाउ टू अनलॉक फेसबुक अकाउंट। तो गाइस फाइनली यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक में ओपन करके आपको दिखा दूँ कि फाइनली यहाँ पे जो कि ये अकाउंट है इस पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये गेट स्टार्टेड का और जो कि ऑप्शन है वो ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एक साइट्स पे लेके चला जाएगा जो कि आपको यहाँ पे प्रूफमेंट नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई जो कि आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांग रहा है कि जिससे कि आपका सोल्व हो पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ओरिजिनल गेट स्टार्टेड ऑप्शन ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कि आपको गेट स्टार्टेड ओरिजिनल नहीं है, जिस कारण से ये साइट आपको खुल जा रहा है, हेल्प सेंटर आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको हेल्प में आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि यहाँ पे जो कि हाउ डू आई गेट बैक ऑन फेसबुक, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कंफर्म दिस योर अकाउंट एंड सिक्योर योर लॉगिन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है तभी जाके आपको सोल्व हो पाता है। तो यहाँ पे आप बता रहा है कि आपको अकाउंट तभी सोल्व हो पाएगा जब आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे गेट स्टार्टेड ऑप्शन है ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। तो फाइनली हम ओरिजिनल यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, तो यहीं पे आपको सिंपली क्लिक करना है, डुप्लीकेट ही अगर आपको दिया गया है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे जो कि मिलेगा वाज दिस हेल्पफुल, तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर यस कर देंगे तो ऑफकोर्स जो कि फेसबुक की तरफ से कोई सुझाव नहीं मिलेगा, अगर आप नो करेंगे तो कुछ आपको सुझाव दिए जाएंगे आपको जो कि ओरिजिनल गेट स्टार्टेड ऑप्शन लाने। लेकिन यस कर देंगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आपको इससे जो कि मदद मिल चुका है और आपको कुछ सुझाव जो कि नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, वाज दिस हेल्पफुल, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन को सिंपली सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है द सॉल्यूशन डज नॉट वर्क, क्योंकि यह सॉल्यूशन वर्क ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूँगी यह वर्क करना है। तो फाइनली यहाँ पे सॉल्यूशन डज नॉट वर्क करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शनल जो मैं डालूंगा उससे रिलेटेड भी डाल सकते हैं, उससे डिफरेंट भी डाल सकते हैं, बट इसी टाइप्स का होना चाहिए जो ऑप्शनल, जिससे आपका जो कि सेटिस्फेक्शन जो कि फेसबुक को हो सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना ऑप्शनल फिल कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ किस टाइप्स का आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्शनल को फिल करता हूँ एंड उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे फाइनली मैं अपना ऑप्शनल डाल दिया हूँ, हेयर डियर फेसबुक फैमिली माई अकाउंट हैज़ बिन लॉक्ड वाई और बाई वाइल आई कैन नॉट समथिंग समटाइम्स दिस एप्लीकेशन बिकॉज
बिकॉज सी कंफर्म आइडेंटिटी बट कंफर्म आइडेंटिटी नॉट वर्किंग हियर। तो इस तरह से आपको कुछ लिख देना है और लिखने के बाद आपको सिम्पली सबमिट करता है। इस तरह से आप देख करके इसको ही सिंपली डाल सकते हैं या फिर कॉपी करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आपको कॉपी नहीं करना, अपना डिफरेंट लिखना है। तो इस तरह से अपना लिख देना है कि यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड ऑप्शन दिया गया है वह आपका डिफरेंट दिया गया है, यहाँ पे अलग नहीं अलग है और ये वर्क नहीं कर रहा है, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं ले रहा है जिससे कि मेरा नहीं दौरा। तो यहाँ पे नीचे अपना ईमेल पासपोर्ट डाल सकते हैं। तो फाइनली ये भाई का जो कि फ़ोन नंबर और पासपोर्ट था, इसलिए मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर पासपोर्ट डाल करके यहाँ सबमिट करूँगा। इसको आपको बेटर तरीके से लिख देना है और इसके लिखने के बाद आपको सिंपली सबमिट करना है, ठीक है। तो इस इश्यू को आपको लिख देना है जिससे कि आपको 24 से 48 घंटे तक का समय लग सकता है आपको ओरिजिनल गेट स्टार्टेड देने में, क्योंकि ये जो कि रिव्यू में जाएंगे एंड उसके बाद ही आपका जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर में आपका जो कि ओरिजिनल गेट स्टार्टेड ऑप्शन आ जाएगा। और यही अकाउंट को मैं फिर से आपको अनलॉक करके बताऊँगा अपने वीडियोस में, अपने चैनल्स पे। तो आप मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो जब भी वो अकाउंट आएगा, प्रदीप नाम करके एक अकाउंट आएगा और उस पर ओरिजिनल गेट स्टार्टेड ऑप्शंस आ जाएगा और वहाँ पे कंफर्म आइडेंटिटी आएगा और उसको मैं सॉल्व करके आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फाइनली आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो जैसे अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिले। तो अगर जैसे मिलता है फिर मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।